नाजी जर्मनी में क्या हुआ और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे कंपैरिजन हैं। जब बुलडोजर किसी एक के घर पे चलता है तो हम सभी के घर पे चलता है। रात इंदौरी साहब ने सही फरमाया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर उस घर में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। आज विडंबना है कि जो अमन की बात करने वाले लोग हैं वो देश द्रोही कोट अनकोट स्थापित हो रहे हैं आज पार्लियामेंट के भीतर। बेसिक इंटेलिजेंस आपको ये बताती है कि आप नफरत फैला के दूसरे आदमी को दबा के मार के अपना भला नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में सबका नुकसान होगा। हमारे साथ यहाँ पे बहुत जाने माने लोग जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, संजय हेगड़े जी हैं एडवोकेट, प्रशांत भूषण जी हैं एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट, हर्ष मंदर हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, और भाषा जी हैं जो जानी मानी जर्नलिस्ट हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम दोस्ती का ये जो एक प्लेटफॉर्म है आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक हिंसा, इनको लगता है कि रोड टू पॉलिटिकल पावर, मतलब हमें मालूम है 2002 के बाद क्या हुआ, फिर ये पुलवामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इनको लगता है कि क्योंकि हम विकास के लिए तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, लोगों के लिए कोई काम कर नहीं रहे हैं और करना भी नहीं है, क्योंकि आप पूंजीवादियों के इशारे पे सारी पॉलिसीज बना रहे हैं। और एक पॉलिसी ये भी है कि जितना मिनरल रिच एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वैल्यूबल, उनको माइन करना है हर हालत में, तो वहाँ के आदिवासियों को आपको बाहर करना है, चाहे हिंसा के थ्रू, चाहे फेक केसेस के थ्रू उनको हटाना है, या एथनिक वायलेंस जो मणिपुर में कराई जा रही है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके उनको बेदखल किया जा रहा है। ये सब खेल साथियों पूंजी का है, और वो पूंजी जो है इसमें इन्वेस्ट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट ये भी है कि किसी तरह से इन्हीं लोगों को सत्ता में रखना है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज लागू करेंगे। और सत्ता में रखने का एकमात्र जरिया इनके पास है ये नफरत की जो खेती लगाई है, इसको हार्वेस्ट करना और लोगों को आपस में लड़वाना, ताकि हम मजे से इस देश के रिसोर्सेज को लूटते रहें। ये कोशिशें सारे दुनिया में कई देशों में हो रही है, ये अकेला देश नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये बहुत सक्सेसफुली ये लोग कर पाए हैं। और अगर हमें इसके खिलाफ लड़ना है, अपने देश को बचाना है, तो हमें एक होके, मतलब ये मैसेज हमें अपने साथियों के पास ले जाना है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, कि ये आप ये गेम प्लान को समझिए, इनकी बातों में नहीं आइए और अपनी एकता कायम कीजिए। मैं कुछ महीने नाजी जर्मनी में को समझने के लिए मैं जर्मनी में रहा, और नाजी जर्मनी में क्या हुआ और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी सीख नाजी जर्मनी के अनुभव को समझने के बाद ये हुआ कि हम समझते हैं कि नाजी जर्मनी में इतना कुछ नरसंहार हुआ क्योंकि एक शैतानी आदमी हिटलर थे और उनके कारण से ये सब हुआ। जो मुझे समझ में आया कि नाजी जर्मनी में जो हुआ क्योंकि समाज, व्यापक समाज में नफरत जिस तरह से जब फैलता है, उसका जहर जब फैलता है, तब क्या अंजाम होते हैं। मुझे आज की चिंता किसी एक नेता या किसी एक राजनीतिक दल से कम है ज़रूर, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि हमारे बीच क्या हो रहा है। हम लोग हमारे अपने परिवारों में, हमारे अपने कम्युनिटीज़ में ये जो नफरत कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में, संपन्न समाजों में ये क्या हो रहा है, ये चिंता की बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पहल ननिता नारायण, सहबा फारूकी और साथियों ने इसकी पहल की है, ये बहुत बहुत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उधर वहाँ ईवल अप देयर हम देख रहे हैं, ईवल हियर हम लोगों के बीच की जो
किस तरह से बदल रहे हैं, इस पे वो नज़र डाल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिपाही ट्रेन के अंदर घुस के चुन चुन के वो तीन मुसलमानों का की हत्या करता है और कोई मतलब कोई उसको रोक नहीं रहा है। वो आराम से जगह जगह जा के नफरत से इतनी मतलब उसकी उसका दिमाग कहीं मैंने एक लेख लिखा है कि इसकी शुरुआत यही की है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या नहीं बोला, क्या उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि उस घटना के बाद मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक मुसलमान मुस्लिम आइडेंटिटी के की एक साथी आए और वो बिल्कुल रो फूट फूट के रो पड़े। उसी दिन उन्हें कहा मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हूँ आज। वो मेरा पिता हो सकता था, वो मेरा भाई हो सकता था, वो मैं हो सकती थी। और यही कॉन्वर्सेशन एक्चुअली पता नहीं शायद कई लाख मुसलमान घरों में उस दिन हुआ होगा। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका फ़र्ज बनता कि वो उनको कहते कि नहीं, कोई डर की ज़रूरत नहीं है, ये देश सबका बराबर का है, हर मज़हब के हर जाति हर भाषा के लोगों का बराबर का ये देश है, ये मोहब्बत का देश है, ये दोस्ती का देश है, ये हम सब का देश है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं कही, इसलिए हम लोग सबको वो आवाज़ अपने आप में अपने आप के अंदर से ढूंढना पड़ेगा। और कई बार मुझे लगता है कि हम लोग वी रिमेन साइलेंट। अभी रमज़ान के दौरान जगह जगह पे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होके कुरान के पाठ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा के वन हाई राइज कॉम्प्लेक्स आफ्टर द अदर लोग जाके उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उधम करते हैं। उसी दिन उसी वक्त नवरात्रि के का सब कुछ पूजा चल रहा था, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। तो चलिए 30-40 लोग इकट्ठा होकर उनको रोकते थे। मेरा सवाल है कि हर एक कॉम्प्लेक्स में शायद 3,000-3,500 फैमिलीज रहते हैं, उनमें से क्यों एक व्यक्ति भी गया नहीं उनको रोकने के लिए कि ये अपने हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई आईसीयू की यूनिट में एक महिला नमाज पढ़ रही है और उनको उनके ऊपर पूरा वार हो रहा है। तो मैं अभी नूह से लौटा हूँ, कल ही लौटा। कल्पना नहीं कर सकते हैं एक पूरा मतलब बड़े बड़े इमारत इस तरह के इमारतों को बुलडोजर ने जाके तहस नहस किया है। इतना भी यू नो फिग लीफ नहीं है कि वो इंक्रोचमेंट है, बस हमने तय किया और हम कुछ भी कर सकते हैं। और लोग बता रहे थे कि लोग जो दूसरे समाज के लोग खड़े होके तालीम लगा बजा रहे थे, वीडियो ले रहे थे। ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। दूसरे के दर्द दूसरे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उससे हम लोग क्यों उज्ज्वलित नहीं होते हैं। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अंधेरे के बीच में कई बार मैं अपने आप से पूछता हूँ मुझे उम्मीद कहाँ मिलती है। उम्मीद वहाँ मिलती है कि एक्चुअली समाज में बहुत नफरत भी फैल गया है, लेकिन अच्छे लोग भी इसके बीच में। मणिपुर में मैं गया था, हर रिलीफ कैंप में जहाँ हम बैठे थे, जॉन भी बैठे हैं यहाँ, हम लोग दोनों वहाँ बैठे थे, तो बहुत क्रूरता की मतलब बिना मतलब हद से ज़्यादा क्रूरता की कहानियाँ हमने सुनी। लेकिन हर रिलीफ कैंप में हमने ये बातें भी सुनी कि दूसरे समाज के लोगों ने किस तरह से हमें बचाया। और इस कारण से मैं मणिपुर से लौट के फिर भी कुछ उम्मीद अपने देश पे रख सकता हूँ। आज का दिन दोस्ती के बारे में बात करना है, मित्रों के बारे में नहीं।
क्योंकि जो हम दोस्त बनाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है। हमें कोई अच्छा लगता है, हम दोस्त बन जाते हैं, और हमारे बच्चे एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, और देश इसी दोस्ती पे चलता है। हमारे संविधान में देखे तो हमने क्या लिखा था प्रीएम्बल में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी जो भाईचारा है, वो एक हम लोगों में एक मुआदा है कि हम दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि उसके बगैर देश चल नहीं सकती। जब बुलडोजर किसी एक के घर पे चलता है तो हम सभी के घर पे चलता है। रात इंदौरी साहब ने सही फरमाया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर उस जड़ने, यहां हमारा मकान थोड़ी है। अंग्रेजी में यही कहते हैं ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और हर जस्ट रेजोल्यूशन का एक ही बुनियाद है, और वो बुनियाद है दोस्ती। और मैं शुक्रगुजार हूं सभी का कि हम इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, और हम सारे जो जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जो बाल झड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ बयान कर सकते हैं। जो आगे बढ़ाना है, जिसको ये देश चलाना है, वो हमारे मेरे से कुछ जूनियर्स है, उस पीढ़ी को आगे चलाना है। और मैं यही एक वादा कर सकता हूं कि जब तक हम हैं, हम डटे रहेंगे, हम आपके दोस्त रहेंगे। और चाहे कोई भी मित्रों आए और उनके मित्र भी आए, हम डटे रहेंगे। जो नव पूंजीवाद है, जो विकास हो रहा है, उसमें शायद गुड़गांव को बसाने वाले लोगों के दिमाग में भी नहीं रहा होगा कि यहाँ गुड़गांव में ऐसा हुजूम उतरेगा और सरेआम हिंसा करेगा, तलवारें चमकाएगा, पत्थर मारेगा, बम चलाएगा, बंदूक चलाएगा। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको G20 के आप कहिए कि स्टार इलाके हैं, जिनको आप विकास के तौर पे दिखाते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े पैमाने पे जब दोस्ती की बात या दोस्ती का एक जो मिशन हो रहा है, दरअसल ये जीवन को बचाने की बात है, मानवता को बचाने की बात है, और देश को बचाने की बात है। क्योंकि संसद में जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में एक बहुत सुनियोजित ढंग से कोशिश हो रही है कि देश के विरोध में जो ताकतें हैं, जो मणिपुर को जला रहे हैं, जो नूह को जला रहे हैं, जिन्होंने गुजरात 2002 में जलाया, जिन्होंने एक कांस्टेबल के हाथ में ऐसी बंदूक दी जो किसी मुसलमान को चुन चुन के मारे, ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट मॉडल है, इस डेवलपमेंट मॉडल को ही देश की तकदीर और देश का भविष्य और देश के विकास के तौर पे जो पेश किया जा रहा है, और पूरी डिबेट ये हो रही है कि इसको जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, आज विडंबना है कि जो अमन की बात करने वाले लोग हैं वो देश द्रोही कोट अनकोट स्थापित हो रहे हैं आज पार्लियामेंट के भीतर। जो ये मीडिया एक लिंचिंग मॉब तैयार कर रहा है, मीडिया ये निर्धारित कर रहा है कि आप किसके प्रति घृणा करें, उसके खिलाफ हम जब तक अपने अपने स्पेसेस में बोलेंगे नहीं, खुलकर बोलेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर ये जो दोस्ती है इसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। क्योंकि जो नफरत है, मैं तो गुड़गांव बात करके आई, देख के आई, लोग आज कह रहे हैं ना कि इतनी नफरत होने पे तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, कहाँ जाएंगे हम। ये जो एहसास है कि नफरत के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप दोस्ती अमन के लिए बोलें, प्रेम के लिए बोलें,
तो ये एक बहुत अहम इनिशिएटिव है, और इसमें मैं खाली रिक्वेस्ट यही करूंगी कि हम सबको, जितने लोग हम दोस्त हैं वो ट्रैवलर्स हैं, ये ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं इसमें आखिरी में जिक्र करूंगी, जिस तरह से IIM बेंगलोर ने एक लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई नफरत को पालना बंद कर दो, बहुत पॉइंटेड लेटर है, बहुत अच्छा लेटर है। तो जो जहां है, हम सब जिस जिस भूमिका में हैं, अगर हम ये सोचें कि हमें नफरत के खिलाफ दोस्ती का काम करना है, कोई पत्रकार है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, देश का नागरिक है, किसान है, मजदूर है, तभी इस नफरत का जो पूरा का पूरा एक ब्रिगेड चली आ रही है, इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। और ये चैलेंज हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका मुकाबला इस वतन में अमन की बेटियों से ही होगा और अमन के रखवालों से ही होगा। शुक्रिया। हर एक आदमी ये बात समझता है, हर एक इंटेलिजेंट आदमी ये बात समझता है कि नफरत फैलाने से, दूसरों से लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है। कोई अगर हिंदू ये समझ ले कि भाई हम मुसलमानों को दबा कर मार कर अपना भला कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, अनइंटेलिजेंट सोच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्थर सी क्लार्क ने अपनी एक 1962 की किताब है, मतलब 60 साल पुरानी किताब, प्रोफाइल्स ऑफ द फ्यूचर, उसमें एक चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें उसने लिखा है एकदम साफ कि those cheap comic strips and cheaper forms of science fiction which propagate the view that artificial intelligence will be malevolent and hostile to humans are just promoting or projecting their own aggressive instincts which have been inherited from the world of jungle into a world where such things do not exist. The higher the intelligence, the greater the degree of cooperativeness. ये बिल्कुल एक elementary truth है। अगर इसको समझना है तो एक किताब है The Evolution of Cooperation, रॉबर्ट एक्सलरॉड की, उसको आप पढ़ लीजिए। बेसिक इंटेलिजेंस आपको ये बताती है कि आप नफरत फैला के, दूसरे आदमी को दबा के, मार के अपना भला नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में सबका नुकसान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म फायदा ज़रूर हो जाता है, और उनको लगता है कि नफरत फैला के, लड़ाई करवा के हम सत्ता में काबिज रह सकते हैं, हम सत्ता में आ सकते हैं और काबिज रह सकते हैं। और इसलिए ये सोच सिर्फ उन लोगों की होती है, सिर्फ उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदा मिलता है जो लोग सत्ता के गेम में, लेकिन समाज में किसी का फायदा नहीं होता, इससे सबका नुकसान होता है। तो अब सवाल यह है कि हमको करना क्या है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अभी भी इतनी नफरत फैलाने के बाद भी ज्यादातर लोग अभी ऐसे हैं जो इस नफरत के खिलाफ, इस लुम्पनिज्म के खिलाफ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं। हमको उनको जगाना है। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हम लोग प्यार फैलाएंगे। ये लोग झूठ फैला रहे हैं, हम लोग सच फैलाएंगे। और इसमें तो सब लोगों को, हर एक आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम लोगों को छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं या छोटे छोटे लेख लिखने, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है तो छोटे का ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, छोटे वीडियोस, छोटे लेख, जिसमें हम बताएं कि भाई हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, और हमारे जो हमारा रिलीजियस डाइवर्स एंगेजमेंट है, अलग अलग धर्मों के लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से, उससे हिस्टोरिकली हमारे देश को, हमारे समाज को
कितना फ़ायदा हुआ है। हम लोग इस तरह के और जो पॉजिटिव स्टोरीज जैसे हर्ष ने बताई, इस तरह की स्टोरीज को हम लोग फैलाएं। देखिए प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, कुछ बिगड़ते भी हैं, पर ऐसे प्लेटफॉर्म इस वक्त बनना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स ना बने, लोगों को ये एहसास होगा कि वो अकेले हैं। जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से चाय पे चर्चा पे भी करते हैं, तभी ही मंच आगे बढ़ता है। और प्लेटफॉर्म्स इसलिए भी ज़रूरी है ये कहने के लिए कि हम वो नहीं हैं जो तलवार लेके निकले हैं। हमें हमारे धर्म या मज़हब को संभालने के लिए हमें किसी और से द्वेष करना की कोई ज़रूरत नहीं है। हम द्वेष भक्त हैं नहीं, हम देश भक्त। लेकिन पिछले समय जिस तरह से हो रहा है हर धार्मिक प्रोसेशन में, जिस तरह से अटैक्स या उसके बहाने जो पूरा एक नफरत पैदा की जाती है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ उनको अटैक नहीं होता, जब एक बार वायलेंस हो जाता है उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी को भी टारगेट किया जाता है इसके बाद। न सिर्फ सिविल सोसाइटी पर अटैक्स होने के बाद कुछ वायलेंस होता है, वायलेंस के बाद बुलडोज़र चलते हैं, और एक तरीके से देखें तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है। क्योंकि जब किसी का घर ध्वस्त होता है तो उस घर में जो सब है उनमें कोई क्षमता नहीं रहती है और लड़ने की या बात भी करने की। तो ये तो किसी भी धार्मिक जो प्रोसेशन है या किसी धार्मिक का रिचुअल है, उसमें हिंसा की तो कोई रोल है ही नहीं। तो हिंसा को न्योता देना, वो कौन से धर्म का हिस्सा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।